कैसे हो आप सब दोस्तों। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी का कोई मैं ज़्यादा इंट्रो नहीं डालता हूँ दोस्तों, कोई भी ज़्यादा चीज़ मैं एक्स्ट्रा नहीं डालता हूँ, ज़्यादा एडिटिंग नहीं करता हूँ। सिर्फ वीडियो जो मैं दोस्तों बनाता हूँ उसके रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। एक्स्ट्रा कोई भी मेरे वीडियो के अंदर नॉइस नहीं होगा, कोई भी म्यूज़िक नहीं बजेगा दोस्तों, कोई भी एडिटिंग का पार्ट आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, बैकग्राउंड अच्छा नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं मेरी वीडियो जो शूट करता हूँ दोस्तों, आप सभी के इन्फॉर्मेशन के लिए शूट करता हूँ, आप सभी की नॉलेज के लिए शूट करता हूँ, आप सभी को कुछ अच्छी चीज़ें सीखने के लिए मिले दोस्तों, उसी कारण से मैं अपना वीडियो शूट करता हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अपने YouTube ऐप में जाकर गीकी रामू को सर्च कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं टॉप LED लॉन्चेस इन इंडिया 2020। हाँ दोस्तों, 2020 के अंदर कौन कौन सी LEDs लॉन्च होने वाली है आज उनके बारे में हम जानने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा दोस्तों। अगर आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो मेरे वीडियो अपलोड होते ही आप सबसे पहले अपने डिस्प्ले के अंदर देख पाओगे। तो सबसे पहले दोस्तों पहला लॉन्चेस है MI का 32 इंचेस का 4A Pro HD रेडी LED। दोस्तों ये HD रेडी LED है, इसके अंदर आपको 3 HDMI का स्लॉट और 2 USB का स्लॉट मिल जाता है, प्लस ये एंड्रॉयड पैचवल ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में आपको आने वाला टीवी है और बहुत ही अच्छा टीवी है दोस्तों। इसके अंदर बहुत सारी कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है, 20 वॉट का साउंड आपको मिल जाता है, स्मार्ट फीचर्स में वाईफाई, पैचवल, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार एंड एंड्रॉयड 9.0 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में आता है। और इसके अंदर रिजोल्यूशन की बात करूँ तो 1366x768 HD रेडी 60Hz रिफ्रेश रेट पैनल के साथ में आपको ये मिल जाता है। सेकेंड दोस्तों LED है जो लॉन्च होने वाला या हो गया है दोस्तों, व्यू का 50 इंचेस 4K Ultra HD स्मार्ट LED 50UT। दोस्तों ये आपको 4K टीवी मिल जाता है, रिजोल्यूशन की बात करूँ तो आपको 3840 हॉरिजॉन्टल 2160 वर्टिकल 9 के साथ में आता है, 60Hz का पैनल आपको इसके अंदर दिया गया है, डायनेमिक बैकलाइट आपको मिल जाता है दोस्तों, कनेक्टिविटी की बात करूँ तो 3 HDMI के स्लॉट मिल जाते हैं, 2 USB का स्लॉट आपको इसके अंदर मिल जाता है, साउंड आउटपुट की बात करूँ तो 40W के स्पीकर आपको मिल जाते हैं, स्मार्ट फीचर्स की बात करूँ तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में आता है दोस्तों, बहुत सारे फीचर्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, 1 ईयर का वारंटी आपको इसके साथ में मिल जाता है। थर्ड LED की बात करूँ दोस्तों जो 2020 के अंदर लॉन्च होने वाला है वो है ओनिडा का 32 इंचेस HD रेडी IPS LED। दोस्तों इन प्लान स्विचिंग LED है जो स्मार्ट कनेक्टिविटी के साथ में आता है। अब दोस्तों इसके रिजोल्यूशन की बात करो तो HD रेडी है दोस्तों, तो 1368x768 मतलब 60Hz पैनल रिफ्रेश रेट के साथ में आता है, 3 HDMI का स्लॉट मिल जाते हैं दोस्तों, 1 USB का स्लॉट मिल जाता है और 1 USB दोस्तों आपको हार्ड ड्राइव कनेक्ट करने के लिए इसके अंदर आपको मिल जाता है। साउंड आउटपुट की बात करो तो 16W के स्पीकर आपको मिल जाते हैं, डॉल्बी डिजिटल और DTS सराउंड साउंड का इफेक्ट आपको इसके अंदर मिल जाता है। स्मार्ट फीचर्स की बात करो दोस्तों, बिल्ट इन फायर टीवी OS ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में आता है, एलेक्सा, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, G5, सोनी लाइव एंड बहुत सारी एप्लीकेशन आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाती है। वारंटी की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको 1 ईयर का वारंटी देखने के लिए मिलता है। अब दोस्तों चौथे टीवी की बात करते हैं तो सैमसंग का 32 इंचेस HD रेडी LED आपको ये मिल जाता है। रिजोल्यूशन की बात करें तो 1368x768 HD रेडी के साथ में आता है। कनेक्टिविटी की बात करें तो 2 HDMI का स्लॉट और 1 USB का स्लॉट आपको इसके अंदर मिल जाता है और 20W का साउंड आपको इसके अंदर मिलता है। LED पैनल की बात करें स्लिम एंड स्टाइलिश आपको मिल जाता है, वारंटी 1 ईयर का आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। पांचवें टीवी की बात करते हैं दोस्तों तो LG का 43 इंचेस Full HD स्मार्ट LED आपको ये लॉन्च होने वाला है या हो गया होगा। रिजोल्यूशन की बात करें तो Full HD आपको 1920x1080 पैनल के साथ में आता है। रिफ्रेश रेट की बात करें तो 50Hz का रिफ्रेश रेट आपको होता है। कनेक्टिविटी की बात करें तो 2 HDMI का स्लॉट मिलते हैं, 1 USB का स्लॉट आपको मिल जाता है, प्लस साउंड आउटपुट की बात करें तो 20W आउटपुट आपको इसके अंदर पावरफुल साउंड मिलता है। स्मार्ट फीचर की बात करें तो WebOS 5.0 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में आता है, जो LG का खुद का डिजाइन किया ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। डिस्प्ले की बात करें तो ActiveHDR, डायनेमिक रेंज, टोन मैपिंग, DTS वर्चुअल एक्स आपको सराउंड साउंड इसके अंदर मिल जाता है। 1 ईयर का वारंटी आपको इसके अंदर मिलता है। अब दोस्तों छठे टीवी की बात करते हैं तो ओनिडा 43 इंचेस Full HD स्मार्ट टीवी ये लॉन्च होने वाला है। इसके अंदर दोस्तों बात करें तो फायर टीवी एक्सपीरियंस बिल्ट इन आपको दे दिया गया है। रिजोल्यूशन की बात करें तो Full HD आपको 60Hz पैनल के साथ में आता है। कनेक्टिविटी की बात करें तो 3 HDMI का स्लॉट मिलते हो, 2 USB का स्लॉट आपको मिल जाता है। साउंड आउटपुट की बात करते हो तो 16W के स्पीकर आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलता है, डॉल्बी डिजिटल प्लस DTS 2 सराउंड साउंड स्पीकर फंक्शन आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। स्मार्ट फीचर्स की बात करें दोस्तों तो डुअल बैंड वाईफाई, बिल्ट इन फायर टीवी स्टिक, एलेक्सा वॉइस कंट्रोल रिमोट, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो सारे एप्लीकेशन आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। वारंटी की बात करें तो 1 ईयर का वारंटी आपको इसके अंदर मिल जाता है। सातवें टीवी की बात करते हैं तो दोस्तों तो व्यू 55 इंचेस 4K Ultra HD स्मार्ट टीवी 55 PM आपको इसके अंदर
लॉन्च होने वाला है। रिजोल्यूशन की बात करें तो 4K आपको ये टीवी मिलता है, 60 हर्ट्ज के पैनल के साथ में आता है। कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो 3 HDMI का स्लॉट और 2 USB के स्लॉट में आता है। साउंड आउटपुट की बात करते हैं तो 30 वोल्ट का साउंड आपको मिल जाता है, बॉक्स स्पीकर मिल जाता है, डॉल्बी डिजिटल प्लस DTS वर्चुअल एक्स सराउंड साउंड टेक्नोलॉजी आपको, अदर ऑडियो फीचर्स करते हैं दोस्तों तो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में आता है, जो 9.0 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में आपको 2 GB का रैम मिल जाता है, 16 GB की रोम मिल जाता है दोस्तों। यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो, डिस्नी प्लस एप्लीकेशन आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाती है, तो बहुत ही अच्छा है दोस्तों। वो इसके अंदर आपको 3 ईयर्स का वारंटी देखने के लिए मिलता है। हाँ दोस्तों, व्यू का 55 इंच का टीवी के अंदर आपको 3 ईयर्स का वारंटी कंपनी दे रही है। अब दोस्तों नेक्स्ट टीवी की बात करें तो LG का नैनो सेल डिस्प्ले 49 इंच के अंदर 4K अल्ट्रा HD टीवी आता है। 4K अल्ट्रा HD के साथ में आता है दोस्तों, 50 हर्ट्ज का पैनल दिया गया है, 4 HDMI का स्लॉट मिलते हैं, 3 USB का स्लॉट आपको इसके अंदर मिल जाता है, 20 वोल्ट का साउंड आउटपुट इसके अंदर मिलता है, वायरलेस साउंड 2 वे ब्लूटूथ ऑडियो का ऑप्शन आपको इसके अंदर मिलता है। स्मार्ट फीचर्स की बात करो तो वेबोस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में आता है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वर्क करता है। अब दोस्तों आप में से किसी को नहीं पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है तो प्लीज़ मुझे जरूर कॉमेंट सेक्शन में बताएगा, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आप सभी के लिए जरूर लेके आऊँगा। डिस्प्ले की बात करें तो नैनो सोल डिस्प्ले के साथ में आता है, नैनो कलर, नैनो एक्यूरेसी, नैनो बेजल, अल्ट्रा ल्यूमिनस वाइड व्यूइंग एंगल, DTS वर्चुअल एक्स सराउंड साउंड के स्पीकर आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। वारंटी की बात करें तो 1 ईयर का फुल वारंटी मिलता है और 1 ईयर का एडिशन आपको पैनल का वारंटी इसके अंदर मिल जाता है। 90 टीवी की बात करें तो दोस्तों TCL 55 इंच C8 सीरीज 4K अल्ट्रा HD स्मार्ट एंड्रॉइड टीवी आपको मिलता है, लॉन्च होने वाला है। इसके अंदर दोस्तों 4K टीवी के 4K रिजोल्यूशन के साथ में आपको आता है, 60 हर्ट्ज का पैनल मिल जाता है, 3 HDMI के स्लॉट मिलते हैं, 2 USB का स्लॉट आपको इसके अंदर मिल जाता है। साउंड आउटपुट की बात करें तो 24 वोल्ट के स्पीकर मिलते हैं, ओंकियो फ्रंट फायरिंग स्पीकर आपको डॉल्बी एटमॉस के साथ में ये आता है दोस्तों मिलता है, 16 GB का इनबिल्ट स्टोरेज आपको मिल जाता है। डिस्प्ले की बात करें तो A+ ग्रेड LED पैनल आपको दिया है, 4K UHD डॉल्बी विजन MEMC WCG और HDR 10+ को सपोर्ट ये करता है। वारंटी की बात करें तो दोस्तों 18 मंथ का आपको वारंटी TCL की तरफ से ये प्रोवाइड हो जाता है। अब दोस्तों 10वें टीवी की बात करते हैं तो सिमोक्स का 43 इंच का 4K अल्ट्रा HD टीवी आपको आता है, जो 4K रिजोल्यूशन के साथ में आता है। इसके अंदर आपको 2 HDMI का स्लॉट और 2 USB का पोर्ट आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं। इसके अंदर दोस्तों आपको VGA स्लॉट भी मिल जाता है और दोस्तों इसके साथ में आपको RF स्लॉट भी मिल जाता है। 20 वोल्ट का साउंड मिलता है, इंडिपेंडेंट लार्ज साउंड चैम्बर आपको इसके अंदर मिल जाता है। डिस्प्ले की बात करें तो 0.IPS ग्रेड पैनल मिलता है, 178 डिग्री व्यू एंगल देखने के लिए मिलता है, 7 ग्रेड्स का दोस्तों हाई स्ट्रेंथ ब्लैक क्रिस्टलाइज टेम्पर ग्लास आपको देखने के लिए मिलता है। स्मार्ट फीचर्स की बात करूँ तो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में आपको आता है, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, हॉटस्टार और यूट्यूब को ये सपोर्ट कर देता है। वारंटी की बात करें तो 1 ईयर का वारंटी आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। टीवी बताएं उन सभी का आपको अगर फीचर्स नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं हर फीचर्स का आंसर आपको डीपली एंड क्लियरली जरूर देने की कोशिश करूँगा। अब दोस्तों कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो के रिगार्डिंग में तो आप मुझे ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने यूट्यूब ऐप में जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को शेयर करोगे तो दूसरे को इन्फॉर्मेशन इसके बारे में ज़रूर मिल पाएगी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।